26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। एमएसपी गारंटी कानून के लिए नए आंदोलन का आगाज। नवा रायपुर और राजिम में बड़ी तैयारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाली कानून की मांग को लेकर नए किसान आंदोलन का आगाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। इसके लिए नवा रायपुर और राजिम में बड़े स्तर पर तैयारी जारी है। किसानों का कहना था कि एक साल तक चले दिल्ली धरने की यह प्रमुख मांग थी। केंद्र सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया। नवा रायपुर के किसानों की योजना NRDA क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकालने की है। यह रैली काया बांधा से सुबह 9 बजे से प्रस्तावित है। इसके लिए सभी गांव से किसानों को ट्रैक्टर लेकर पहुंचने की बात हो रही है। राज्य में यह रैली कृषि उपज मंडी से निकलेगी। ट्रैक्टर लेकर किसान पूरे राजिम कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरेंगे। उसके बाद एक जनसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग पर बात होगी। यह रैली दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हो रही है। इसमें प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक संगठन शामिल हैं। कई दूसरे जिलों में भी इस तरह के प्रदर्शन की तैयारी है। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के तेज राम विरोधी ने कहा कि कोई भी कंपनी अपने तैयार माल को बाजार में बेचने के लिए एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है, जिसे MRP कहते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाता है, और साथ ही साथ बेचने वाले को भी उनका लाभ मिल जाता है